बिहार समस्तीपुर से देखिए रिपोर्ट जितेंद्र कुमार की। समस्तीपुर के बहादुरपुर स्थित कृष्णा टॉकीज में भारतीय जनता पार्टी संगठन सत्र 2022-2025 का प्रथम जिला कार्य समिति बैठक जिलाध्यक्ष उपेंद्र कुमार कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन संयुक्त रूप से जिला महामंत्री कौशल पांड्य, राजीव चौधरी, प्रेम दास, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष गीतांजलि ने किया। धन्यवाद ज्ञापन नगर अध्यक्ष सुजय पासवान ने किया। बैठक का शुभारंभ मुख्य अतिथि जगन्नाथ ठाकुर जी व जिलाध्यक्ष उपेंद्र कुमार कुशवाहा जी ने मंचासीन नेताओं के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर पार्टी के द्वारा विभिन्न प्रकार के होने वाले संगठनात्मक कार्य को रखते हुए जिला अध्यक्ष उपेंद्र कुमार कुशवाहा ने कहा कि 30 मई से लेकर 30 जून तक पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। इस दरमियान जिले के दोनों लोकसभा क्षेत्रों में एक बड़ा रैली का आयोजन भी होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अभियान की शुरुआत 30-31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाविशाल रैली के द्वारा किया जाएगा, जिसे सभी बूथों पर आयोजन किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि किसान मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगन्नाथ ठाकुर ने कहा कि केंद्र पिछले 9 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद अद्वितीय कार्य हुआ है। स्वच्छता मिशन के तहत देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त शौचालय, मुफ्त प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड योजना से देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख का मुफ्त बीमा, किसान सम्मान निधि योजना से देश के 12 करोड़ छोटे मझोले किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 का वितरण जैसे अनेकों कार्यों से आम जनमानस के जीवन बेहतर बनाने का काम हुआ है। रेलवे, दूरसंचार, डिजिटल क्रांति, सड़क का विशाल नेटवर्क, हवाई अड्डों के विकास इत्यादि के माध्यम से देश को विकसित करने का काम किया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए विधान परिषद सदस्य डॉक्टर तरुण कुमार चौधरी ने बताया कि देश आज रक्षा के क्षेत्र में आर्थिक मोर्चों पर पारदर्शिता, बेहतर विदेश नीति से जो काम आजादी के बाद की सरकारों ने 60 वर्षों में नहीं किया, वह मात्र 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टा सोच के कारण संभव हुआ है। बैठक को पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश रमन, रोसड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार पासवान, समस्तीपुर लोकसभा प्रभारी रंजन गौतम, जिला उपाध्यक्ष प्रभात। समिति की बैठक रखी गई, किस उद्देश्य से रखी है? ये भारतीय जनता पार्टी का रूटीन बैठक है जो 3 महीने पर एक बार होता है, लेकिन हर बैठक, हर बार जो बैठक होती है उसका अलग अलग विषय और मुद्दा होता है। अभी जो आज हमारी बैठक है वो विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 9 साल से गरीब कल्याण और राष्ट्र सेवा का काम हो रहा है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर के कार्यक्रम, विधानसभा स्तर के कार्यक्रम, लोकसभा स्तर के कार्यक्रम और बड़ी रैली, इस प्रकार का कई प्रकार के कार्यक्रम है। 14 तरह के कार्यक्रम 30 मई से 30 जून के बीच में एक महीने के अंदर में हम 14 तरह के कार्यक्रम करेंगे। बाकी एक एक विधानसभा में 1,000 परिवार से हमारे कार्यकर्ता जाकर के मिलेंगे, विशिष्ट परिवारों से मिलेंगे, खेल जगत से जुड़े हुए, कला क्षेत्र से जुड़े हुए, बड़े बड़े समूह चलाने वाले ऐसे और सोशल मीडिया के जो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं उन लोगों का, तो इस प्रकार का समाज के हर वर्ग के साथ हमारा मीटिंग होगा और हमारे 9 साल के काम पर उन लोगों से संवाद होगा। ये सरकार